डायग्राम, यूनिवर्सल ब्लॉक डायग्राम। यूनिवर्सल ब्लॉक डायग्राम का मतलब यह है कि हर एक मोबाइल में इसी टाइप का चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम होता है। इससे पहले हम इनपुट और आउटपुट समझते हैं। बैटरी कनेक्टर है ये बीसी, और यही बैटरी कनेक्ट होता है। जब तक कि बैटरी 3.7 वोल्ट का ना हो तो तक बैटरी स्टोर नहीं होगा और चार्ज नहीं होगा। और चार्जर, चार्जर कैसे समझते हैं कि सही है खराब है? चार्जर के अंदर लाइट होता है, एलईडी लाइट, वो जब तक लाइट जलेगा तब समझते हैं कि एलईडी चार्जर एक सही है, एलईडी जल रहा है तो चार्जर आपका ओके है। लेकिन चार्जिंग जैक को सबसे पहले हम ट्रेस करते हैं। यहाँ सीसी चार्जिंग कनेक्टर लगा है, यूएसबी कनेक्टर लगा है, और इसके इनपुट आउटपुट में चेक करते हैं, यहाँ वोल्ट 5.5 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद एक फ्यूज लगा है, फ्यूज का काम होता है गार्ड का। फ्यूज गार्ड एक पथिय स्पेयर है, ये गार्ड का काम करता है। ये खराब होने के बाद ये बीप रेंज आना चाहिए, और बीप रेंज अगर नहीं आ रहा है दोनों तरफ से ये खराब होगा। और क्वाइल का काम होता है जो डीसी करंट यहाँ आएगा इसमें ये शुद्ध करके आगे करंट कैपेसिटर तक, कंडेंसर तक पहुंचाएगा। और कंडेंसर का काम है डीसी करंट चलते समय खर्च और गमन हो जाता है, उसको ये चार्ज और बूस्ट करके अगला पार्टी आईसी को दे दिया जाता है। और कैपेसिटर प्लस माइनस दोनों, दो पथिय स्पेयर है, ये प्लस माइनस दोनों में लग करके डीसी करंट को शुद्ध और चार्ज होकर के अगला पार्टी को जो वोल्ट चाहिए आईसी को दे देता है, चार्जिंग आईसी को। चार्जिंग आईसी का इनपुट और आउटपुट देखते हैं। इनपुट 5.5 होना चाहिए और आउटपुट 4.4 होना चाहिए। और उसके बाद एक R100 लगा है, R100 मान वाला रेजिस्टेंस है, मान वाला रेजिस्टेंस के जगह पर मान वाला रेजिस्टेंस ही लगेगा, ठीक। यहां जम्पर नहीं लगेगा, यहां 4.2, और इसके आउटपुट R100 का आउटपुट वोल्ट 4.2 होना चाहिए जो बीसी के प्लस पर आएगा। 4.2 वोल्ट बीसी के पॉजिटिव लेग पर आएगा, बीसी के प्लस पर 4.2 वोल्ट आएगा। और चार्जिंग आईसी में एक लेग से रेजिस्टेंस द्वारा यूएम पे 1.5 वोल्ट पहुंचता है, और यूएम सीपीयू को वोल्ट दे करके ये सूचित करता है कि आप में चार्जिंग लग चुका है। अगर ये कट जाए तो आपको मालूम ही ना चले कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ 1.5 वोल्ट यूएम को जाता है और यूएम सीपीयू को देता है, और सीपीयू संकेत करता है कि आप में चार्जिंग लग चुका है, चार्जिंग स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नो चार्जिंग है, ये सब चार्जिंग बताता है। लेकिन यहाँ दो भाग में बांटा है, इसका आउटपुट भाग ये है, इनपुट भाग ये है, आउटपुट भाग ये है। अगर इनपुट भाग में खराबी होगा तो खराब होने वाला सामान आपका सीसी है, चार्जिंग कनेक्टर है। सीसी सबसे पहले सीसी को चेक करते हैं, सीसी में इनपुट आउटपुट चेक करते हैं कितना वोल्ट, 5.5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद फ्यूज को चेक करते हैं, दोनों तरफ से बीप रेंज आना चाहिए और यहां तक वोल्ट आए, और इस पार भी वोल्ट आए। अगर नहीं आए तो फ्यूज को जम्पर करते हैं। अगर यहाँ वोल्ट 5.5 वोल्ट है और यहाँ 5.5 वोल्ट नहीं है तो इसको भी जम्पर कर सकते हैं, फ्यूज और क्वाइल को जम्पर कर सकते हैं, और लगा कैपेसिटर को जम्पर कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि दो पथिय स्पेयर है, ये प्लस माइनस दोनों में जुड़ा हुआ है। इसको शॉर्ट करने से का मतलब है कि आपका सीसी या चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो जाए, या चार्जिंग सेक्शन आपका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो जाए। चार्जिंग लगाते ही अगर चार्जर का एलईडी ऑफ हो जाता है, चार्जर हम लगाए यहां और चार्जर का एलईडी ऑफ हो जाता है तो हम समझते हैं कि इसके इससे इस तरफ का स्पेयर कोई दो पथिय स्पेयर वो शॉर्ट हो है, और दो पथिय स्पेयर इससे इधर का कौन सा है आपका कैपेसिटर, दो पथिय स्पेयर है आपका कैपेसिटर, और कैपेसिटर जब शॉर्ट होगा तो इसका प्लस माइनस को एक कर दिया जाए, और प्लस माइनस एक हो जाए, हो सकता है कि फ्यूज उड़ जाए, क्वाइल उड़ जाए, और ये दोनों शॉर्ट हो जाए और आपका एलईडी ऑफ हो जाए, चार्जर का एलईडी। इसलिए कि शॉर्ट जब होगा तो चार्जर का एलईडी ऑफ हो जाएगा, चार्जर का एलईडी ऑफ हो जाएगा तो आप समझ जाए कि इसके आउटपुट में यहां से यहां तक कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। और जब दो पथी स्पेयर खराब है, कंडेंसर खराब है, इसको ओपन करें या दूसरा लगाए या ओपन करके हटा दे कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग लेना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्ले पे नो चार्जिंग, डिस्प्ले पे नो चार्जिंग,
इनवैलिड चार्जर या कुछ और लिखे, तो हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं 4.4 वोल्ट 4.2 वोल्ट चेक करते हैं। अगर इसमें 2.5 वोल्ट आवे तो नो चार्जिंग आएगा, अगर बैटरी खराब हो तो नो चार्जिंग आएगा, बीसी खराब हो तो नो चार्जिंग आएगा, R22 खराब हो तो नो चार्जिंग आया, या आपके पास इसका पथ कट जाए कोई वजह से, सीपीयू के पास जो 1.5 वोल्ट जा रहा है सिग्नल उसका पथ या रेजिस्टेंस कवर जाए, तो सेट आपका स्टोर चार्ज होगा लेकिन शो नहीं करेगा और रात भर चार्ज होगा और बैटरी फूल जाएगा। इसके लिए आप यहां चेक करें, चार्जिंग आईसी के नजदीक एक मां इनवर्सल रेजिस्टेंस लगा होता है, इनवर्सल रेजिस्टेंस को चेक करें, इनपुट आउटपुट चेक करें और 1.5 वोल्ट यूएम के पास जाना चाहिए और यही मेजरमेंट करता है कितना परसेंट आपका बैटरी चार्ज हुआ। यूएम के पास एक मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट में बताता है कि अपना आपका बैटरी कितना परसेंट चार्ज हुआ, या चार्ज परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है तो यहां 4.2 वोल्ट के बदले 2.5 वोल्ट आएगा, और सीसी खराब होगा तो यह हो सकता है कि यहां आपका नंगी पुतिया के कारण यहां आप 5.5 वोल्ट ज्ञात कर रहे हैं, यहां 4.2 वोल्ट आए, 2.5 वोल्ट आ गए। इस टाइम में आप सीसी चेंज करते हैं, स्लो चार्जिंग हो, लेट चार्जिंग हो, चार्जिंग ना हो, हर टाइम में आप सीसी चेंज करते हैं, उसके बाद ही आप इसका ट्रेस करते हैं, फ्यूज क्वाइल कैपेसिटर चार्जिंग आईसी इनपुट आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट वोल्ट 4.2, इनपुट वोल्ट 5.5 वोल्ट, बीसी बैटरी कनेक्टर नोकिया अगर होगा तो बीएसआई पर 1.5 वोल्ट मिलेगा, चाइना होगा उस पर 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, ठीक, नोकिया होगा तो 1.5 वोल्ट मिलेगा और नोकिया नहीं होगा चेंज होगा तो यहाँ 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा और 4.2 वोल्ट मिलेगा और स्टोर करना चालू कर देगा ये। तो इसका खराब होने वाला चीज सबसे ज्यादा खराब क्या होता है ये जानते हैं सबसे पहले। सबसे पहले खराब होना चाहिए आपका सीसी चार्जिंग कनेक्टर, फ्यूज क्वाइल बीसी बैटरी, ये सब खराब होता है, चार्जिंग आईसी खराब नहीं होता है।